जैसा कि आप जानते हैं 22 जनवरी को मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी का अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है और इसी उपलक्ष्य में हमारे यहाँ पे सारे जितने भी मार्केट वाले हैं उन्होंने ये एक निर्णय लिया कि हम यहाँ पे एक भव्य कार्यक्रम करेंगे और एक इस बाजार में और पीछे आप जो पुराना पोस्ट ऑफिस है वहाँ पे भी लोगों के मन में एक उत्साह सा है कि 550 साल के संघर्ष के बाद आज हिंदू समाज को इतने गौरवशाली दिन को मनाने का अवसर मिला है और हम सभी लोग जो यहाँ पे बैठे हुए हैं हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हम अपने जीवन में इस तरह का ये जो हमारा प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है ये जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है ये हम उसके साक्षी हो रहे हैं और हमारे कई पीढ़ियां इसी सोच में चलेगी कि कब हमारे राम लल्ला वहां पे विराजमान होंगे और इस संघर्ष में लगभग लाखों अपने समाज के लोगों ने कुर्बानी दी। कई हमारे स्वयंसेवक हमारे कार सेवक इसमें शहीद हुए तो इस उपलक्ष्य में हमने ये मतलब एक बहुत बड़ा कार्यक्रम जो हम इस बाजार में करने जा रहे हैं तो हमारी सभी पुंछ निवासियों से ये विनती रहेगी कि आप हमारे यहाँ कार्यक्रम में आए। यह कार्यक्रम 11 बजे शुरू होगा, 11 से 12:30 बजे तक जब तक प्राण प्रतिष्ठा होगी तब तक यह कार्यक्रम चलेगा। उसके बाद यहाँ पे भव्य लंगर का आयोजन किया गया है जो कि सभी ये जो व्यापारी भाई हैं ये उनकी मतलब श्रद्धा से हो रहा है। तो मेरा सभी पुंछ निवासियों से निवेदन है कि आप बढ़ चढ़ कर इस कार्यक्रम में आए और इस कार्यक्रम की शोभा को बढ़ाएं। आपको बता ही दिया 500 साल हो चुके हैं भारत से नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जो पूरी दुनिया के एक भगवान है वो किसी कारणवश 500 साल पहले अपने घर से कहीं दूसरे कहीं और चले गए थे और फिर 500 वर्ष के बाद वो अपने घर में दोबारा आ रहे हैं और हमारे भगवान स्वरूप ये भगवान चाहे वो मोदी जी हों चाहे वो मोहन भागवत जी हों उनके कमल हाथों से ही उनका वहां पर आगमन हो रहा है अपने घर में। तो भारत में हर घर के अंदर हर मंदिर के अंदर हर घर के अंदर कोई ना कोई प्रसाद उस दिन बनेगा। कुछ में भी हर घर के अंदर हर मंदिर में प्रसाद का कार्यक्रम रखा गया है और खासकर ये बाजार वालों की भी एक ख्वाहिश थी कि इतना प्रसाद होते हुए भी हर जगह इतनी खुशी है कि हम बाजार वाले बाजार के अंदर भी अपनी तरफ से एक प्रसाद का आयोजन करेंगे। इसलिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है कि 22 तारीख को ठीक 11 बजे सुबह से कार्यक्रम सुबह शुरू होगा बाजार के अंदर भी हर मंदिर के अंदर तो कार्यक्रम होगा लेकिन बाजार के अंदर भी एक कार्यक्रम हम कर रहे हैं बाजार वाले कर रहे हैं। तो जैसे ही स्थापना होने के तुरंत बाद यहाँ पर एक भोजन और भंडारे का आयोजन किया गया है तो तमाम पुण्य निवासियों से हम यही कहते हैं यहाँ आकर भंडारा करें। देखिए 47 में देश आजाद हुआ बड़े बड़े युद्ध हुए 500 सालों में इससे बड़ी खुशी कहीं नहीं हुई। वो कम था हर चीज कम थी ये सबसे बड़ा इवेंट पूरी दुनिया में हो रहा है
हम टीवी देख रहे हैं, हम हर चीज देख रहे हैं, इससे बड़ा मौका हमारी जिंदगी में कभी आने वाला नहीं है और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। जय जय श्री राम। फला साहब, जैसा कि आपने बोला कि लंगर की व्यवस्था की जाए, तो कैसे की जाएगी, लोगों का बैठने का इंतजाम कैसे किया जाएगा? देखिए, हम ये जो लंगर लगा रहे हैं, ये तकरीबन जैसा हमारा कार्यक्रम है, 5-6 स्टॉल होंगे, फिर भोजन की व्यवस्था होगी और हमारी पूरी कोशिश है कि जितना भी कार्यक्रम है ये सारा व्यवस्थित हो और अनुशासन से चले। यहाँ पे हम एक LED लगाएंगे जिस पे सीधा प्रसादन जो है वो भी हमारे जो यहाँ पे लोग आएंगे वो देख सकते हैं। बाकी हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि जितनी भी हमारी व्यवस्था है वो बिल्कुल सुचारू रूप से चले, किसी को परेशानी ना हो, बैठने की व्यवस्था रहेगी यहाँ पे। बाजार को बंद रखा जाएगा? बाजार तो हमने उनको कहा नहीं, बाजार खुला रहेगा, दुकानें खुली रहेंगी, रास्ता जो है वो बंद रहेगा, क्योंकि गाड़ी घोड़ी नहीं चलने देंगे, स्कूटी ये नहीं चलेगी, क्योंकि फिर हमें उसमें थोड़ा सा ऑब्स्ट्रक्शन आ जाती है, इसलिए ये रास्ता दूसरा जो है वो बंद ही रहेगा। बताए, हर घर में, हर मंदिर के अंदर भोजन बनेगा, प्रसाद भी बनेगा, हर गली के अंदर भी बनेगा। जैसे गीता भवन के बाहर ये कंधारी जी की दुकान है पुराने, वहां भी है, किले के बाहर भी है, लेकिन विशेषकर यहाँ पर जो सिंह सभा गुरुद्वारा साहब के बाहर है या भैरव मंदिर के बाहर है, बाजार है, बिहारी शाह जी की दुकान के बाहर, यहाँ भी एक बहुत बड़ा भंडारा है। इसलिए हम सभी को कह रहे हैं, अपनी वहां भी करो, यहाँ भी पक्का आ पाओ।